हेलो स्टूडेंट्स, थोड़ा सारा का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन मुगल यूट्यूब चैनल पे। मैं थोड़ा गुरप्रीत सर आज थोड़े नाल डिस्कस करांगा मैथ दे चैप्टर 12 दे कॉन्सेप्ट्स ने। इनदे विच केड़े-केड़े कॉन्सेप्ट्स ने? एन थर्ड चैप्टर दा नाम है का अते का अंक, पावर एंड पावर फैक्टर। तो उनदे विच कुछ पक्के डिफरेंस फार्मूलास ने जिन्नू असीं याद करांगे साडा कॉन्सेप्ट आ जिहड़ा थोड़ा इजी हो जाएगा। सम चैप्टर समझना ना चैप्टर के क्वेश्चंस को हल करना बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चंस केड़े-केड़े ने, कांसेप्ट्स केड़े-केड़े ने, पहला से कांसेप्ट्स पढ़ेंगे फिर ऐसे ही ना बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला कांसेप्ट की है, मान लो थोड़ा कांस्टेंट ए है, ठीक है। एक कोई ए कांस्टेंट है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, 5 6 अप टू 100 कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू, ठीक है। मान लो ए एक कांस्टेंट है, ये उनकी का कितनी है, यानी कि पावर कितनी है, उनकी पावर 3 है, ठीक है। ए एक कांस्टेंट है तो उनकी पावर 3 है। तो इनको कैसे लिखा जाता है? ऐसे कुछ ही टाइम पहला एक चैप्टर वीडियो चैप्टर की तासीगा जिन्हों के लिए सिकान के वर्ग स्क्वायर एंड क्यूब, यानी कि ए की है क्यूब है, का कितनी है 3। तो कैसे लिखांगे? ए गुना ए, यानी कि ए नु कितने बार गुना किया? 3 बार। सिमिलरली अगर ए की पावर 4 होवे तो ए लिखांगे ए गुना ए, यानी कि 4 बार। तो अप टू 100 उन्ने बार लिखांगे ऐसे। मान लो अगर ए की पावर 5 होवे तो ऐसे कितने बार लिखांगे? 5 बार m टाइम्स के लिखांगे ए गुना ए। ये ज्यादा रहेगा कितनी बार, जिन्ना तक 5 बार सी सॉरी m बार ए को गुना नहीं कर लेते। तो ए सी का सब तो बेसिक कांसेप्ट का था, ठीक है। किसी बार नंबर की पावर कोई का होवे तो हम किस तरह लिखा जाना है, ये सब तो बेसिक कांसेप्ट सीगा का। हुण अगर असीं करदे आ अगला कॉन्सैप्ट की है कि जो किसी नंबर की पावर ए पावर माइनस एम हो, ठीक है। असीं पढ़िया किसी नंबर की पावर एम हो, यानी कि प्लस एम हो तो उन एम वाल गुणा कर दो उस नंबर, ठीक है। पर उस नंबर की पावर अगर माइनस एम हो तो फिर उसे कैसे हल करांगे या फिर उसे सॉल्व करने का तरीका की है, ठीक है। तो तुसीं हमेशा एक चीज याद रखनी है, अगर किसी नंबर की पावर माइनस एम हो तो उस नंबर को उल्टा देना, की करना उन्हें उल्टा देना वा उन्हें रिवर्स कर देना, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि किसी नंबर की पावर अगर माइनस हो उनकी घात अगर माइनस च हो तो नंबर को की कर देना वा उल्टा देना, ठीक है। तो ए की पावर माइनस एम कितना होएगा? 1/a^m, ठीक है। दैट इज समथिंग। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਹੋਵੇ ਤਾਂ a ਨੂੰ m ਵਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ a ਦੀ ਪਾਵਰ m ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ? ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 5 m ਵਾਰੀ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ? 1/a^a^a कद तक m बारी, ठीक है, m टाइम्स, ठीक है, कद तक m बारी। लाइक समझ लो, तो ए कांसेप्ट अगर का की पावर माइनस हो, ठीक है। तो इसके लिए से कुछ क्वेश्चन से छोटा सा क्वेश्चन कांसेप्ट करके लेने नहीं आ। मान लो 5 की पावर माइनस 10 हो, ठीक है। 5 की पावर माइनस 3 हो, पहला तो की करना है? 5 की पावर माइनस 3 ना, हम पावर माइनस का तसीन कर देना है, उल्टा देना है, यानी कि रिवर्स कर देना है। इन रिवर्स की होएगा 1/5 की पावर
ठीक है, और 5 बराबर 3 में पीछे 100 कर लो, 1 बटे 5 गुना 5 गुना 5 देने वाली 3 बार, ठीक है, और 5 गुना 5 गुना 5 कितना होता है 125, ठीक है बच्चों। एक साधा दूसरा कांसेप्ट है कि अगर पावर माइनस के बीच होवे का नेगेटिव होवे का तो फिर असिनु के में हल करना, ठीक है बच्चों। इनके नाल एक बहुत जरूरी कांसेप्ट आ जाता है, मान लो एक नंबर भी की होता माइनस का होता, ठीक है, इथे माइनस होता 5 की पावर माइनस 5 की पावर माइनस के होता, ठीक है। हुन जब किसी नंबर के नाल माइनस लग जावे ना फिर पावर पे की इफेक्ट पेगा, ता नीचे वाले नंबर के नाल माइनस वही आ जाएगा। पहला से कितना सिर्फ पावर उल्टाई पावर नु सीधा किया, ठीक है, जिवे नंबर रिवर्स किया नंबर ओनली रिवर्स किया माइनस नाल नीचे वही आ गया। हुन जेड़ा असि मल्टीप्लाई करना है 5 को नहीं करना मल्टीप्लाई 3 वाली, किन्नु 3 वाली मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5 को। हुन असि माइनस 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उनके दास सिंपल के टाइम माइनस 5 हम तो हमें याद होगा तो इसी छोटे क्लास में मैंने शेयर पढ़ा होगा कि अगर किसी नंबर दी किसी नेगेटिव नंबर दी माइनस दी पावर ऑड है, ठीक है, टांग संख्या है तो जेड़ा उनका जवाब है वो भी नेगेटिव होता है, ठीक है, ऋण होता है। और अगर किसी नेगेटिव नंबर दी किसी ऋण संख्या दी पावर इवन है यानी का इवन नंबर है जिस्त संख्या है तो उनका आंसर जिस्त संख्या होता है, और इनकी पावर का अंक संख्या है ऑड नंबर है तो इनका आंसर नेगेटिव आएगा। इसे चेक भी कर सकते हो, आ माइनस ना आ माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बच जाएगा तो वो एक तैयार, ठीक है। तो इस कांसेप्ट असी पावर का घात का कांसेप्ट पढ़े, तो छोटे छोटे कांसेप्ट्स ने अगले इनर का होली कांसेप्ट्स ने अस वो डिस्कस करेंगे, देर के से इस वीडियो में असी लाइक जरूर कर दे रहे। ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
लिखा है a दी पावर m माइनस n जेड़ा नंबर दी अकेला ओनली पावर नु अकेले लिखा है जेड़ा नंबर दी पीछे लिखा है पावर नु पीछे लिखा है ओके क्लैरिटी ठीक है अगले कांसेप्ट करेंगे अगला कांसेप्ट की है कि अगर a दी पावर m उनके ब्रैकेट के बाद एक पावर फोर हो तब की होगा फिर की होगा अगर a की पावर m में ऑलरेडी सी बट बस a की पावर m नु n वाली गुणा कर देता ठीक है तब फिर आंसर की आएगा एफ की सिचुएशन दे बैठ छोटा आंसर क्रिया पावर्स ने को आपस दे बैठ की हो जानी है मल्टीप्लाई करनी है एक दूसरे नाल भाग हो जानी है ठीक है तो पावर्स को से के मल्टीप्लाई कर देने हैं a की पावर्स ने a की पावर m गुना n ठीक है ये बन जाएगा a की पावर m n हम तक कहीं पढ़ते जैसे भी नंबर वही सीगा ठीक है नंबर वही सीगा बेस सेम सीगा आंसर सारे को आ रहे थे बट की होगा अगर बेस वक्रे हो ठीक है हम नंबर अलग अलग है पर तुसी इस चीज से कोई नोट कर सकते हो ध्यान दे नाल कि जेड़ा नंबर है उनकी पावर्स पावर्स की ने घातांक की ने सेम ठीक है की सेम ने घातांक उन्हें थे नंबर ए ए बी वक्रे वक्रे या पर घातांक सेम ने उस सिचुएशन दे विच की होएगा नंबर एक दूसरे नाल गुणा हो जाएंगे ते घातांक वही रहेगा एम ही रहेगा तो कैसे रहेगा है ए गुना बी घातांक एम एक ही रहेगा ठीक है लाइक सम तो ए चार कांसेप्ट में अगला पांचवा कांसेप्ट की है कि अगर a की पावर 0 हो गई तो सी याद रखो बच्चों मैथ के विच अगर कोई भी नंबर हो कोई भी नंबर हो गए उनकी पावर 0 हो गए जरूरी नहीं a ही हो गए या कोई कांस्टेंट हो गए कोई भी नंबर हो गए कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए कुछ भी हो गए उनकी पावर 0 हो गए तब की मुताबिक एक दे बराबर होता है ठीक है कितने बराबर होता है 1 के बराबर होता है किसी भी नंबर की पावर 0 किस नंबर के बराबर होती है 1 के बराबर होती है तो बच्चों उम्मीद करता हूं तुम सारे कांसेप्ट सारे फार्मूलास समझा चुके होगे हम ए सी सारे मैथ्स चैप्टर 12 के घात और घातांक के कुछ फार्मूलास इना फार्मूलास के नाल-नाल ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे ते चैप्टर को हल करेंगे तो तुसी इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दियो साडे चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा नु सब्सक्राइब कर लो क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन इज